आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। फरीदाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह 26 फरवरी को आयोजित होगा। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित ओसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि समारोह में 670 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में जुलाई 2021 से जुलाई 2023 के बीच डिग्री और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जिमनेजियम हॉल में होने वाले इस दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि समारोह में पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक गाउन की बजाय विद्यार्थी सफेद कुर्ता पजामा अथवा धोती कुर्ता पहनकर अपनी डिग्री लेंगे और इसी तरह छात्राएं भी सफेद सूट अथवा साड़ी पहनकर दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनेगी। शिक्षा में उत्कृष्टता का हमारा अपना एक इतिहास है, इसलिए हम अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीखे। हमारी वेशभूषा अपने आप में हमें गौरवान्वित करने का अवसर देती है। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को हमें मिटाना है। अपनी सभ्यता पर गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत से आधार हैं। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में प्रोसेशन का आयोजन होगा। ये विश्वविद्यालय के लिए और दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति के हाथों यह डिग्रियां मिलेंगी। कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय होता है। ये विद्यार्थियों के जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। प्रोफेसर ज्योति राणा ने तैयारियों का जायजा भी लिया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर निर्मल सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह के लिए 25 फरवरी को रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो कि विद्यार्थी रिहर्सल में हिस्सा लेंगे उन्हें विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को जो डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे ये डीजी लॉकर में भी उपलब्ध होंगे। प्रोफेसर निर्मल सिंह ने बताया कि अव्वल विद्यार्थियों को मेडल भी दिए जाएंगे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर आरएस राठौड़ ने कहा कि ये एक बहुत ही शुभ अवसर है जब विश्वविद्यालय के नए परिसर में यह दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। इसके लिए सभी शिक्षकों अधिकारियों और विद्यार्थियों में पूरा उत्साह है। दीक्षांत समारोह के लिए विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं की बैठक का आयोजन भी किया गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।